जब से Redmi Note 10 इस स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है तब से बहुत लोगों के मन में ये सवाल है कि इज इट अ बेटर स्मार्टफोन कंपेयर टू द Redmi Note 10 बिकॉज ऑन पेपर स्पेक्स तो Redmi Note 10 इसके ही बेहतर है। व्हाट द टेक इज गोइंग ऑन फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकी निकोरियर की टाइप सर, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम Redmi Note 10 और Redmi Note 10 S इन दोनों स्मार्टफोन के अंदर एकदम डिटेल में कंपैरिजन करने जा रहे हैं। आपको इससे पता चल जाएगा कि अगर आप एक स्मार्टफोन लेना चाहते हो देन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेटर पिक होगा। बट ट्रस्ट मी, मैं आपके टाइम की वैल्यू देता हूँ, इसीलिए एकदम शुरू में ही मैं कंक्लूजन दे देता हूँ। Redmi Note 10 एक बेहतर स्मार्टफोन है, क्लियरली Redmi Note 10 एक विनर है और Redmi Note 10 इसके कंपैरिजन में एक बहुत ही बेटर डिवाइस है। वेल, इसके बाद भी अगर आप डिटेल में वीडियो देखना चाहते हो देन वेलकम मेरे दोस्त, आप मेरे सच्चे दोस्त हो। इस वीडियो में हम डेफिनेटली सारे एस्पेक्ट को कवर करेंगे और अगर दोस्तों किसी तरह से Redmi Note 10 इसमें कोई एक मेजर अपडेट आ जाता है देन मैं उसको भी कवर करने की कोशिश करूंगा। बट चलिए देखते हैं कौन से डिपार्टमेंट में कौन कैसा परफॉर्म करता है। ऑलराइट गाइस, तो मेरे लेफ्ट साइड में है Redmi Note 10 S और मेरे राइट साइड में है रेगुलर Redmi Note 10। शुरू में ही हम प्राइस को लेके बात कर लेते हैं। तो Redmi Note 10 जो बेस वेरिएंट है फॉर 464 GB स्टोरेज वेरिएंट, वो स्टार्ट होता है 12,499 रुपीज में, रिसेंटली 500 रुपीज इंक्रीज हुआ है। और इसका जो 6 GB रैम वेरिएंट है उसकी कीमत है 14,499 यानी कि 14,500 रुपीज। लेकिन जो Redmi Note 10 S है ये स्टार्ट होता है 15,000 रुपीज से फॉर 664 GB रैम वेरिएंट। तो दोनों डिवाइसेस के अंदर 500 रुपीज का डिफरेंस है। बट अच्छी बात यह है दोस्तों कि दोनों ही फोन में आपको डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट मिल जाता है, तो आप चाहे तो 2 SIM कार्ड और 1 SD कार्ड एक साथ यूज कर पाओगे। ओके, चलिए तो अब डिजाइन को लेके बात कर लेते हैं। और डिजाइन काफी सब्जेक्टिव चीज है बट आई थिंक दोनों ही डिवाइसेस बहुत ही खूबसूरत है एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम लुकिंग डिवाइसेस है अंडर 15K इंडियन रुपीज। दोनों ही दोस्तों बेहद ही खूबसूरत है। डिजाइन वाइज एस्थेटिक वाइज कोई ऑलमोस्ट चेंज है ही नहीं, ये बस कैमरा का रिंग थोड़ा सा देखने में अलग है बट उसको छोड़ के दोस्तों दोनों ही डिवाइसेस बहुत ही खूबसूरत है। और दोस्तों दोनों में ही आपको पॉलीकार्बोनेट बैक दिया गया है लेकिन यहाँ पर आपको फ्रॉस्टेड बैक पैनल दिया गया है। तो क्या होता है कि इससे फिंगरप्रिंट स्मजेस बहुत ही कम पड़ते हैं और बहुत दिनों से यूज़ कर रहा हूँ, फिंगरप्रिंट ऑलमोस्ट विजिबल है नहीं। ब्लू वाले में हल्का सा दिखाई देता है बट व्हाइट में तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। साइड पैनल प्लास्टिक का बना हुआ है बट ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी बहुत ही सही है। फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का भी प्रोटेक्शन दिया गया है तो बिल्ड क्वालिटी वाइज दोस्तों कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑल्दो आई रियली होप कि हमें Redmi Note 10 S में ग्लास बैक मिल जाता बिकॉज ये थोड़ा सा कॉस्टली डिवाइस है बट ओवरऑल गाइस बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है एंड डोंट वरी, ये टूटेगा नहीं। अब दोस्तों डिस्प्ले को लेकर बात करते हैं तो दोनों ही फोन का डिस्प्ले काफी ब्राइट है, मैंने आउटडोर में यूज़ किया है दोस्तों, इनफ ब्राइट है। 15K के बजट के हिसाब से दोनों में आपको काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले मिल जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी विजिबिलिटी को लेके। एंड ऑफ कोर्स दोस्तों दोनों ही फोन में आपको एमोलेड पैनल दिया गया है तो आपको वो सुपर विविड एंड पंची कलर्स मिल जाते हैं। विंग एंगल्स वगैरह दोस्तों बिल्कुल सही है दोनों ही डिवाइसेस में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट जो Redmi Note 10 S है वहाँ पर दोस्तों एक मेजर इशू है डिस्प्ले को लेके, वो है कि YouTube में ये वीडियोस को ओवर शार्पन कर देता है। कैमरा में दोस्तों ये दिखाना बहुत ही मुश्किल है लेकिन अगर आप इन पर्सन देखोगे देन आपको जाके पता चलेगा कि Redmi Note 10 S में जो YouTube वीडियोस प्ले होते हैं वो वीडियोस को ज़्यादा शार्प कर देते हैं, फॉर सम रीजन ज़्यादा सैचुरेटेड कर देते हैं, इवन ओवर एक्सपोज कर देते हैं। तो अगर आप कोई भी एक ह्यूमन वीडियो चलाओगे दोनों के अंदर आपको क्लियरली वो डिफरेंस नोटिस हो जाएगा। और मैंने ये बहुत सारे यूट्यूबर्स के साथ भी कन्फर्म किया है, धनंजय, माई स्मार्ट प्राइस, सब ने दोस्तों कन्फर्म किया है कि इसके डिस्प्ले में कोई एक इशू है। बाद बाकी जो मेनू है वहाँ पर मैंने ये नोटिस नहीं किया बट YouTube में डेफिनेटली ये नोटिसेबल है। बाय द वे दोनों ही डिवाइसेस में आपको वाइड 11 का भी सर्टिफिकेशन मिल जाता है, दोनों में आप फुल HD में प्राइम वीडियो को स्ट्रीम कर पाओगे जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। अब क्विकली दोनों ही डिवाइस का फिंगरप्रिंट स्कैनर चेक कर लेते हैं तो आप देख सकते हो कि Note 10 हल्का सा फास्टर है, हल्का सा दोस्तों Note 10 फास्टर है, Note 10 S अब इट्स स्लोअर। अब गाइस परफॉर्मेंस को लेके बात कर लेते हैं तो Redmi Note 10 S में आपको दिया गया है MediaTek Helio G95 चिपसेट, जहां पे Redmi Note 10 में आपको दिया गया है Qualcomm Snapdragon 678 का चिपसेट। और मैंने डेडिकेटेड एक स्पीड टेस्ट कंपैरिजन वीडियो बनाया है, आप चाहे तो जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। नॉर्मल डे टू डे यूजेज में दोस्तों दोनों ही फोन काफी अच्छा परफॉर्म करता है, आपको कोई भी वहां पर डिफरेंस नोटिस नहीं होगा। लेकिन जब रैम मैनेजमेंट की बात आती है देन दोस्तों Redmi Note 10 आगे निकल जाता है, मैंने इसको अपने स्पीड टेस्ट वीडियो में दिखाया है, आप जाके उसको चेकआउट कर लेना। Redmi Note 10 में जो रैम मैनेजमेंट है वो काफ़ी बेहतर है। ऐसा नहीं है कि Redmi Note 10 इसमें बुरा है बट Redmi Note 10 में बेहतर है, ये मैं कह रहा हूँ। बट हाँ, अगर रेगुलर यूज़र हो देन परफॉर्मेंस में आपको डिफरेंस नोटिस नहीं होगा। अब परफॉर्मेंस के पीछे और भी एक चीज़ का हाथ होता है, वो है UI या फिर यूज़र इंटरफेस। तो Redmi Note 10 S पहला स्मार्टफोन है इंडिया में Xiaomi का जिसमें आपको आउट ऑफ द बॉक्स
MIUI 12.5 का UI मिल जाता है, बट Redmi Note 10 में आपको अभी तक MIUI 12 मिलता है, बट आई होप कि बहुत जल्दी इसमें भी MIUI 12.5 आ जाएगा। दोनों में ही Android 11 पे रन हो रहा है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी तक जो MIUI 12.5 है उसके ज़्यादातर फीचर्स दोस्तों अभी भी इसमें प्रेजेंट नहीं है। सो आई रियली थिंक कि अभी भी एक दो बिल्ड की यहाँ पर ज़रूरत है अपडेट के थ्रू। और अगर मैं UI lags या फिर glitches के बारे में बात करूँ, देन Redmi Note 10 में मुझे कोई भी UI lags नहीं मिल रहा है। जब एक अपडेट आया था उसके बाद थोड़ा सा स्लो लग रहा था, बट वो समय के साथ फिक्स हो चुका है। दोनों में दोस्तों UI lags मुझे खास नोटिस नहीं हुए, बट अभी भी जो Redmi Note 10s है वहाँ पर कभी कभी जो कंट्रोल सेंटर है वहाँ पर मैंने एक UI lag नोटिस किया है, बट उसको छोड़ के ओवरऑल यूज़र इंटरफेस में दोस्तों lags नहीं है, UI glitch भी ज़्यादा नहीं है। एंड फाइनली गाइस बात करते हैं एड्स के बारे में, बिकॉज बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन होता है कि क्या एड्स है या नहीं। देन थैंकफुली नो, कोई भी एड्स नहीं है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। बस वो जो गेट ऐप्स है उससे रिकमेंडेशन आते हैं, बट आप उसको इजीली टर्न ऑफ कर सकते हो। बट बस गेट ऐप्स पे जाओ तो ढूंढते हैं गेट ऐप्स, ये रहा गेट ऐप्स, उसके बाद जाइए ऐप इन्फो, उसके बाद जाइए नोटिफिकेशंस और नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए और गेट ऐप्स का रिकमेंडेशन बंद हो जाएगा। इसको छोड़ के दोस्तों कोई भी ऐड प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। चलिए बात करते हैं गेमिंग के बारे में। तो Redmi Note 10 जब लॉन्च हुआ था तब मैंने यहाँ पर बहुत सारा गेमिंग किया था, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, बैटल ग्राउंड्स इंडिया जब फाइनली रोल आउट हो जाएगा उसका भी कर दूंगा। बहुत ही अच्छी दोस्तों गेमिंग परफॉर्मेंस मिल रही थी। बाय द वे कह देता हूँ कि दोनों ही फ़ोन में आपको मैक्सिमम जो हाई ग्राफिक्स है वहाँ पर आप वेरी हाई फ्रेम रेट तक खेल सकते हो। दोनों में ही आपको सेम ग्राफिक्स का ऑप्शन दिया गया है। अब Redmi Note 10 में मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला था फॉर द बजट ऑफ स्पेशली 12K, जो बेस वेरियंट है उसका प्राइस तो बहुत ही अच्छा है फॉर दैट काइंड ऑफ गेमिंग। अब जब मैंने Redmi Note 10s में गेमिंग किया था दोस्तों, तो क्या हो रहा था कि फर्स्ट एक दो गेम बहुत ही स्मूथ लग रहा था, हाई ग्राफिक्स में, वेरी हाई फ्रेम रेट्स में बहुत अच्छा लग रहा था। बट जब मैंने थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म गेमिंग करना स्टार्ट कर दिया तो बहुत ही सारे दोस्तों यहाँ पर लैग्स आ रहे थे, मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, आई एम सॉरी, बट ट्रस्ट मी दोस्तों यहाँ पर गेमिंग एक्सपीरियंस मुझे अच्छा नहीं मिल रहा था। आप चाहे तो कोई भी डेडिकेटेड गेमिंग रिव्यू चेक कर देना, मैं एक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट यहाँ पर दोस्तों बहुत ही गेमिंग लैग्स है। ऐसा नहीं होना चाहिए बिकॉज G95 एक बहुत ही कैपेबल चिपसेट है फॉर गेमिंग, बट फिर भी दोस्तों यहाँ पर गेमिंग में लैग्स हो रहा था। इवन कभी कभी मैं एक गेम भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा था, इतना ज़्यादा लैग्स था। सो फॉर गेमिंग के लिए दोस्तों ऑन पेपर सुनने में तो Redmi Note 10s बेहतर है, बट फॉर नाउ प्रैक्टिकल लाइफ में Redmi Note 10 में ही आपको मच बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस एंड कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मिलेगी। खैर बात करते हैं अब स्पीकर्स के बारे में। तो दोनों ही फ़ोन में आपको डेडिकेटेड स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट दिया गया है। बाय द वे दोस्तों बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, दोनों ही फ़ोन से आपको गजब क्वालिटी के साउंड मिलते हैं दोस्तों, मज़ा आ जाता है। इस मामले में कोई भी शिकायत नहीं है। Redmi Note 10s, Redmi Note 10 दोनों ही बहुत ही लाउड है, बहुत ही अच्छी क्लैरिटी के स्पीकर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अब चलिए बात करते हैं नेटवर्क के बारे में। तो दोनों ही फ़ोन में आपको कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट मिलता है। तो देखिए अभी मैंने सिम को Redmi Note 10s में डाला है, यहाँ पर मिलता है, पहले Redmi Note 10 में था, यहाँ पर भी आपको सपोर्ट मिलता है। और कॉलिंग को लेकर दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी, मैंने बहुत सारे कॉल्स लिए हैं तो नो इश्यूज एट ऑल, आप भर भर के कॉल ले सकते हो। ईयरपीस की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है दोस्तों, सो उन रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉलिंग, माइक पीस, ईयरपीस, स्पीकर सब बढ़िया है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कैमरास के बारे में। तो मैंने दो दिन पहले ही दोनों के अंदर डेडिकेटेड कैमरा कंपैरिजन वीडियो अपलोड कर दिया है। Redmi Note 10 में इसमें आपको मिलता है क्वाड कैमरा सेटअप, 64 मेगापिक्सल का सैमसंग G3 सेंसर, उसके बाद 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, फिर 2 मेगापिक्सल के मैक्रो डेप्थ सेंसर। इसमें भी बाकी तीन लेंस बिल्कुल सेम है, सेंसर बिल्कुल सेम है, बस जो प्राइमरी कैमरा है वो है 48 मेगापिक्सल का सोनी IMX582। और अब दोस्तों आप जाके कैमरा सैंपल्स देख लीजिए। जो Redmi Note 10s है उसमें तो दोस्तों डेलाइट में आपको ठीक ठाक शॉट्स मिल जाएंगे अगर आप नॉर्मल कंडीशन में रहे, बट कंडीशन जब भी थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड और चैलेंजिंग हो जाती है Redmi Note 10s बहुत ही स्ट्रगल करता है। और मैं इसको लेकर डिटेल में यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, प्लीज़ जाके मेरा कैमरा कंपैरिजन वीडियो देख लेना। Redmi Note 10s में दोस्तों सीरियस इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, इवन रियर कैमरा में स्किन टोन बिल्कुल ही ऑफ आते हैं, तो कैमरा में दोस्तों अभी भी यहाँ पर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। वीडियोस के बारे में बात करूँ देन कलर और एक्सपोजर ऑलमोस्ट सिमिलरली लेवल के थे, यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं थी, बट डिटेल्स जो है वो फॉर सम रीज़न Redmi Note 10 में ही बेटर दिखाई दे रही थी। खैर बात करते हैं फ्रंट साइड के बारे में। तो दोनों में आपको फ्रंट साइड में दिया गया 16 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा सेटअप, और दोस्तों फ्रंट कैमरा भी बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है Redmi Note 10s में, स्किन टोन बिल्कुल यहाँ पर ऑफ आते हैं। आई रियली होप कि Redmi यहाँ पर जल्द से जल्द एक अपडेट रोल आउट कर दे, बिकॉज स्किन टोन दोस्तों बहुत ही ऑफ है।
तो ये है डेलाइट में फ्रंट कैमरा वीडियो सैंपल। ऑल दो आज मौसम काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हो कि काफ़ी क्लाउडी एक डे है और अच्छी हवा भी चल रही है, लेकिन अगर मैं ऑन स्क्रीन के स्पेक्स फुटेज से विचार करूँ देन रेगुलर नोट 10 का फुटेज काफ़ी बेटर दिखाई दे रहा है। जो नोट 10 है वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है, हालांकि डायनामिक रेंज दोनों में से किसी में भी बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बट ओवरऑल अगर मैं पिक करूँ देन रेगुलर नोट 10 लुक्स बेटर। चलिए बात करते हैं बैटरी के बारे में। देन दोनों ही फोन में आपको 5020 मिली एम पावर की बैटरी दी गई है। बैटरी लाइफ दोस्तों बहुत अच्छी है, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज एट ऑल। जो रेडमी नोट 10 है वहाँ पर आपको 7.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम तो इजीली मिल जाएगा। जो रेडमी नोट 10 है वहाँ पर थोड़ा सा कम मिलता है, अराउंड 7 आवर्स 10 मिनट्स के अराउंड, बट दोनों ही दोस्तों डेफिनेटली एक दिन से ज़्यादा लास्ट कर जाएगा। तो बैटरी लाइफ में दोस्तों ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेडमी नोट 10 हल्का सा बेटर है। अगर चार्जिंग के बारे में बात करूँ देन यूएसबी टाइप सी थ्रू पोर्ट के थ्रू चार्ज होता है, 33 वाट का चार्जर दोनों के साथ ही आपको मिल जाता है आउट ऑफ द बॉक्स, और 60 से 70 मिनट्स के अंदर फुल चार्ज हो जाएगा दोनों डिवाइसेस। तो चार्जिंग भी दोस्तों बहुत ही फास्ट है। फाइनली अगर हीटिंग के मैं बात करूं देन जब मैंने Redmi Note 10 को यूज़ करना स्टार्ट किया था तब समर उतना तेज़ नहीं था, अब तो समर बहुत ही तेज़ हो चुका है दोस्तों, बहुत ही गर्मी है वेस्ट बंगाल में करेंटली, और जो नॉर्मल होता है एम्बियंट टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग ही दोस्तों फ़ोन हीट हो रहा है। ओवर हीटिंग मैं इसको नहीं कहूँगा, अभी समर है तो इतना हीट होगा ही, नॉर्मल टास्क में दोस्तों इतना अब होगा ही समर में, बट हाँ ओवर कोई हीटिंग इशू दोनों में से किसी भी डिवाइसेस में नहीं है, जो कि अच्छी बात है। एंड ऑफ कोर्स दोस्तों इन सारे पॉइंट्स के बाद डेफिनेटली आई थिंक आप में से सभी का पिक होगा Redmi Note 10। फॉर नाउ Redmi Note 10 ही एक बेटर डिवाइस है, बट हाँ अगर अपडेट आ जाता है तो मैं Redmi Note 10 इसके ऊपर फिर से एक वीडियो बनाऊंगा। तो अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो देन यू गाइज आर द बेस्ट। आपने क्लियरली देखा कि क्यों Redmi Note 10 एक बेटर स्मार्टफोन है। आई रियली होप कि Xiaomi कोई एक मेजर अपडेट रोल आउट कर दे, बिकॉज डिस्प्ले में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कैमरा में बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और परफॉर्मेंस में भी अभी भी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, गेमिंग में भी ज़रूरत है। सो सभी एस्पेक्ट में दोस्तों Redmi Note 10 एक बेटर स्मार्टफोन है। अगर आप 6GB रैम वेरियंट डिवाइस खरीदना चाहते हो देन ये 14.5K का आएगा, तो अगर आप इसको खरीदते हो देन आप इवन 500 रुपीज़ सेव भी कर सकते हो, जो कि अगर आप चाहें तो फ्यूचर में सुपर चैट के थ्रू डोनेट कर सकते हो। आई वॉज किडिंग, जस्ट कोई बात नहीं। खैर दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करना ना भूलिए, वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक कीजिए। तो आपका दिन शुभ रहे, मिलता है अगले वीडियो में, एंड पीस।